फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंसमेंट ट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है कि फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही है Su-30 MKI को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो ये बात आपको बता दें कि अभी खाली शुरुआती हुई है और यहाँ पर खाली फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही है, जो कि पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में। उसके बाद ही यहाँ पर प्रोग्रेस होगी और इसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड एवियोनिक्स होंगे वो इसमें लगाए जाएंगे। तो हमने अच्छे से पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को समझाया था, जहाँ पर हमने बताया था कि अगर इंडिया कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो Su-30 MKI होगा। पहले बात चल रही थी कि LCA-13 का एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन जो है वो बनने वाला है, पर हमारा ये कहना था कि पेलोड कैपेसिटी और एंड्योरेंस के हिसाब से Su-30 MKI इस काम के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा, इसका काम होगा वाइल्ड विजर रोल को परफॉर्म करना, यानी कि दुश्मन के रडार स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए Su-30 MKI जैमिंग भी करेगा, साथ ही साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल को कैरी करेगा, जिसमें रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स होंगी जो कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसको हम समझा चुके हैं। वीडियो जो है वो हम आगे अटैच कर दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियरली समझ में आएँ। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कही थी तो इसमें तीन सब डिविजन थे जिनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक अटैक है, जिसमें जैमिंग कैपेबिलिटी को एज एन ऑफेंस यूज किया जाता है एनिमी के सिग्नल्स को जैम करने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन है, जिसमें जैमिंग को काउंटर किया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट है, जहां पर आपके कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस आ जाते हैं, जिसमें आपका अवैक्स आईस्टार प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड होता है। तो जब हम बात करते हैं EA-18G ग्राउलर की, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके पहले EA-6B प्रॉलर था जो कि ये काम करता था सेम पॉड्स के साथ। यहाँ पर तीन मेन पॉड्स हैं आपके, जो ALQ-99 है, ये आपके हाई बैंड जैमर्स हैं, और दो और पॉड्स हैं जो कि विंग टिप पे लगते हैं, जिनको ALQ-218 कहा जाता है, और ये आपके वाइड बैंड रिसीवर्स हैं। तो ALQ-99 आपका जैमर है और ALQ-218 आपका रिसीवर है। जैमर का काम होता है जैमिंग करना, रिसीवर का काम होता है कि जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनका पता लगाना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ताकि आप अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल को यूज करते हुए जो एनिमी के रडार सोर्सेस हैं उनको टारगेट कर सकें। तो ये एक पैसिव रिसीवर है, यानी कि खुद का कोई सिग्नल नहीं छोड़ता है, और बेसिकली ये सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाता है। बाकी ALQ-99 की बात करें तो ये जैमर है। जैमिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, जिसको ये खुद ही प्रोड्यूस करता है रैम एयर टरबाइन से। आगे देखा होगा टरबाइन लगी है जो कि मूव करती है और अराउंड 7 kW के आसपास की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी, पर वहाँ पर हमने क्या डिस्कस नहीं किया था, ये डिस्कस नहीं किया था कि ये जो ALQ-99 जैमर्स हैं ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट को अफेक्ट करते हैं और इसका जो खुद का AESA रडार है इसके ऑपरेशन में परेशानी पैदा करते हैं। साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड भी अफेक्ट होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो आपने पास्ट में सुना होगा कि Su-30 MKI जब अपने जैमर्स को यूज़ करता है तो रडार प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो इसके बाद आर्ग्यूमेंट ये आ रहा था कि ये इजरायली जैमर्स हैं और रशियन रडार हैं, दोनों आपस में बात नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैमर्स को यूज़ करने पर परेशानी आती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इवन US और चाइना जैसी कंट्रियाँ भी काम कर रही हैं। तो US का जो नेक्स्ट जनरेशन मिड बैंड जैमर है, जिसे AN-ALQ-249 कहा जाता है, उससे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, ताकि जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो भी अफेक्ट ना हो और एयरक्राफ्ट का जो रडार है वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो जो ALQ-249 है वो एक्चुअली एक AESA बेस्ड जैमर है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ ये अपनी पावर को खुद प्रोड्यूस कर सके इसके लिए इनोवेटिव वेज यूज़ किए गए हैं और जो रैम एयर टर्बाइन है उसको रिमूव किया गया है ताकि ये हाई स्पीड में भी ऑपरेट किया जा सके। तो अब EA-18G ग्राउलर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट को बनाने के बारे में सोचते हैं। पहला तो चैलेंज ये हो गया कि जो आपके जैमर्स हैं वो आपके रडार के साथ इंटरफेयर करेंगे, तो आपको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो कि आपका रडार जैमिंग एनवायरनमेंट में भी ढंग से काम कर सके। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको जैमिंग एनवायरनमेंट में आपस में भी कम्युनिकेशन करनी है, तो इसके लिए जो ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस कैंसिलेशन सिस्टम को, जिसको इनकास कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जो जैमिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसके एंटी जाकर
जो कम्युनिकेशन है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको एक्स्ट्रा एंटीना माउंट्स दिखेंगे। तो तीसरा जो चैलेंज है वो ये है कि आपको यहाँ पर दो पायलट चाहिए, एक जो आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर जो है वो इफेक्टिवली तभी काम कर पाएगा जब आपके एयरक्राफ्ट में जो ऑटोमेशन हो वो उसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये बात आपको बता दे कि जो EA-6B प्रॉलोर जैसा प्लेटफॉर्म था उसमें पायलट को छोड़कर तीन और लोग इसी काम के लिए लगते थे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉड को ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो ये भी एक चैलेंज है। तो अब यहाँ से आते हैं मेन मुद्दे पर। बातें चल रही हैं कि जो LCA-13 है उस पर बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया जा सकता है, और यहाँ पर इस काम के लिए जो DRDO के सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स हैं उनको मॉडिफाई करके यूज़ किया जाएगा ताकि वो ऐसे मिशंस के लिए ऑप्टिमम हो जिसमें स्पीड को खराब ना करें, साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट का रडार है उसके साथ इंटरफेयर ना करें, ये सब इंश्योर करना यहाँ पर ज़रूरी होगा। साथ ही साथ अगर इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए यूज़ किया जाना है तो ये डेफिनेटली ट्विन सीट वर्जन होगा जिसमें पीछे आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर बैठेगा। साथ में यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट में भी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे जिसमें आपको इनकास सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि जैमिंग एनवायरनमेंट में भी जो कम्युनिकेशन है वो हो पाए। साथ ही साथ आपको जैमिंग पॉड के साथ, जो कि कहा जा रहा है कि तीन तक हो सकते हैं, आपको रिसीवर्स भी चाहिए होंगे ताकि एनिमी के जो RF सिग्नल्स हैं उनका पता लग सके, तभी आप एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको इन जैमिंग पॉड के साथ रिसीवर्स भी चाहिए होंगे जो कि मिनिमम दो होंगे। साथ ही साथ अगर आप इसे एक वाइल्ड विजल प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करना चाहते हैं यानी कि सीड मिशंस के लिए, तो आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कैरी करनी पड़ेगी जो कि इस केस में Rudram-1 होगी। तो अगर आप LCA-13 को देखें तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट का ट्विन सीट वर्जन यूज़ किया जाएगा जहाँ पर 7+1 हार्ड पॉइंट्स हैं, और आपको पहले तो जैमर्स भी कैरी करने पड़ेंगे, फिर रिसीवर्स कैरी करने पड़ेंगे, फिर आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कैरी करनी पड़ेगी। तो हो सकता है इतना लोड कैरी करने के बाद जो ड्रॉप टैंक्स हैं उनके लिए जगह ना मिले। तो हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो कि आपके दो रिसीवर्स हो, खाली एक जैमर हो, तो इस केस में आपके तीन हार्ड पॉइंट्स ही जाते हैं, तब आप दो ड्रॉप टैंक्स कैरी कर सकेंगे दो Rudram मिसाइल के साथ, जो कि एक ऑप्टिमम कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट लेकर सामने आ रहे हैं तो वो एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए हवा में रहना चाहिए। तो अगर हम तेजस जैसे छोटे एयरक्राफ्ट से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉप टैंक्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। पर्सनली हमारा ओपिनियन ये है कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है तो इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन Su-30MKI होगा, क्योंकि उसमें इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और वो पहले से ही ट्विन सीटर है जहाँ पर पीछे वाली सीट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर के लिए बनाया जा सकता है। साथ ही साथ वो दो के बजाय चार Rudram को कैरी कर सकता है और ज़्यादा लंबे समय के लिए हवा में रह सकता है। हाँ, लेकिन एक डिसएडवांटेज उसका ये रहेगा कि वो एक ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, बट अगेन अगर आपका प्लेटफॉर्म जैमिंग कर रहा है तो वो अपने आप को बचा सकता है। तो पर्सनली हमारा ओपिनियन है कि अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे एनिमीज हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो Su-30MKI एक बेटर ऑप्शन है LCA-13 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर Su-30MKI एक ज़्यादा सुटेबल प्लेटफॉर्म निकलकर सामने आता है। लेकिन यहाँ पर LCA-13 का भी केस दिखता है, अगर लिमिटेड कंडीशंस में अगर वाइल्ड विजल रोल को परफॉर्म करना हो तो इसका छोटा साइज डेफिनेटली इसको एक एडवांटेज देगा। फाइनली हमारा वर्डिक्ट जो है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम LCA-13 के लिए आ रहा है इससे एक्चुअली एक और प्रोग्राम निकल सकता है Su-30MKI के लिए, जो कि ज़्यादा डेडिकेटेड वाइल्ड विजल रोल के लिए यूज़ किया जा सकता हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।